माटी संस्था द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव के अलावा राम नरेश चौधरी, सुरेश राजा, जफर खान, इनामुल्ला सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कादर खान के अंतिम स्क्रिप्ट पर फिल्म का निर्माण करने वाले निर्माता जफर खान को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश यादव व फिल्म निर्माता जफर खान ने कहा, करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी सारी चीजें प्रहलाद कुशवाहा दिया, जागृति जी से किया, फिल्म को जाना था लेकिन बहुत है पहुंच गए। आज माटी सेवा संस्थान द्वारा जो है कादर खान पे जो है बनी फिल्म जो अंतिम उनकी थी, वो फिल्म गोरखपुर में हमारे जफर भाई ने जो है वो बना रहा है, जफर भाई बना रहे हैं, इसी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं कि इतने बड़े कलाकार की सोच गोरखपुर के एक युवा कलाकार द्वारा उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी उस पर मैं हम लोग यहाँ सारे माटी सेवा संस्थान के सारे लोगों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जफर भाई को सम्मानित कर रहे हैं कि वो इस तरीके से अगर लगातार कार्य करते रहेंगे तो बहुत से ऐसे कार्य गोरखपुर में ला सकते हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में ला सकते हैं जिसमें हमारे नाट संस्था के तमाम बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएँ कूट कूट के भरी हुई हैं, उनको समय नहीं मिलता, उनको सही वो मिलता नहीं है कि जिससे वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। जफर भाई का ये योगदान होगा कि आने वाले समय में यहाँ के बहुत से कलाकारों को जो है वो काम देने का काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रतिभाएं दिखा सकें। इसी सोच के तहत आज हम लोगों ने जफर भाई का जो है सम्मान किया है कि लगातार गोरखपुर में जो प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं उनको उभारने का कार्य आप करते रहें। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, इसी गोरखपुर शहर का हूँ और मैंने जो कुछ सीखा यहीं सीखा है और मैं चाहता हूं कि मैंने जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्ट्रगल में की, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे लोग हैं बॉम्बे जैसे शहर में जाते हैं स्ट्रगल करते हैं, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आज ऊपर वाले ने मुझे सिलेक्ट किया तो हम उन बच्चों को लेकर काम करें जिनको आज तक काम नहीं मिला है और ख़ास तौर से उन हमारे बहुत सारे सीनियर्स कलाकार हैं जो गोरखपुर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब को लेकर एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को लेकर साथ में चलना चाहते हैं।